हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पीडीएफ कैसे बनाएं, ठीक है ना। कोई सा भी पीडीएफ हो, वो आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, अपना क्रोमो आपको ओपन कर लेना। जैसे कि मैं अपना क्रोमो ओपन कर लेता हूँ, क्रोमो ओपन करने के बाद फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली से आपको सर्च बार पर टाइप करना है स्मॉल स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर लिख के आ रहा है, तो मैं इसी पे ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा डायरेक्टली। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल पीडीएफ डॉट मतलब कॉम की वेबसाइट जो ही खुल चुकी है, जहाँ से आप पीडीएफ बनाते हैं। और इसके लिए आपको ना ही कोई ऐप डाउनलोड करना है, ना ही कुछ करना है। अगर आप ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो उसका भी मैं बता दूंगा कि वो ऐप्स कौन सा है। अगर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेस पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ टू पीडी मतलब पीपीडी टू पीडीएफ, मतलब इस चीज़ को पीडीएफ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिंपली से ये बताऊंगा कि अपने जो फोटेज है, यानी उसको कैसे आप पीडीएफ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ बैक कर कर। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है जीपीजी टू पीडीएफ, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आता है फ्रॉम, यार अगर आपका कोई इमेज गूगल ड्राइव पर है तो आप यहाँ से ले सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। अगर आपका कोई फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स पर कोई इमेज पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास या फाइल जो है वो मोबाइल पे पड़ा हुआ है, तो आपको सिंपली से चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो आपका ये सारा ऑप्शन खुल जाएगा और आपको जो फाइल को पीडीएफ पे कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम को ले लेता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही डन पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ चुके हैं। और ये ऑप्शन आने के बाद आपको करना क्या है, क्रिएट पीडीएफ नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पीडीएफ नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ पर कन्वर्ट हो चुका है और ये पीडीएफ हमारा तैयार हो चुका है। फिर डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पीडीएफ है वो तैयार हो चुका है। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जो मैंने पीडीएफ मैंने बना रखा था वो पीडीएफ आ चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर जितनी भी फोटेज लेंगे तो उतनी ही फोटेज का पीडीएफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।